नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। किरदार एक पढ़ा लिखा लड़का डॉक्टर गांव में आता है और गांव को संवारने की कोशिश करता है। और यहां जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो कास्ट की हो, चाहे वो आशाओं की हो, आकांक्षाओं की हो, या जो वहां के ठेकेदार शायद धर्म के हो या किसी के, उसको कुचलना चाहते हैं। किस तरह ये लड़का लड़ता है अपने साथियों के साथ और जीतता है, कहानी इसकी। जी 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 हम हैं बनारस के भैया के। ये एक राज है जो मुझे भी इसके बारे में अभी पता चल रहा है, मुझे जानकारी नहीं। ये पंकज जी हैं, ये इनका खेल है, निराला खेल है इनका। इसके बारे में बेहतर वो बताएंगे आप। जी हाँ हाँ हाँ, वो पोस्ट प्रोडक्शन में चली गई है फिल्म। हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको प्रदर्शित करें। नारी सशक्तिकरण पर है कहानी। आज औरत के से कंधा मिला के नहीं, आगे ही बढ़ गई है और अच्छी बात है, उसी चीज़ को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। देखिए, ये फिल्म मैं इन दो नौजवान पंकज और रोहित को के जज्बात को सलाम करता हूँ और मुझे लगता है कि ये सचमुच भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लड़नी होगी इनको मौजूदा व्यवस्था से, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में खुद लड़ा हूँ तो मैं इन दो नौजवान बच्चों को की हौसला अफजाई करता हूँ, ज़रूर लड़िए। और हम हैं बनारस के भैया, पूरी तरह बनारस शहर की पृष्ठभूमि पर आज की समस्या, आज के नौजवानों की समस्या, आज की सामाजिक समस्या को लेकर ये फिल्म बनने जा रही है। उसी तरीके से ये जो पहली फिल्म है, इस फिल्म में भी उन्होंने जो हमारे समाज में बेटी और महिलाओं के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश है। तो हम ये दो टाइटल से ये ज़रूर दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम समाज से जुड़े हुए उनकी समस्याओं को लेकर ही फिल्म बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आई लव यू डार्लिंग ऐसी कोई फिल्म हम बनाने जा रहे हैं। और वैसी फिल्में भी बहुत मनोरंजक हो सकती हैं। ज़िंदगी में हर इंसान के उतार चढ़ाव रहता है, लड़ाई रहती है और समस्याएं तो बदली नहीं हैं। 50 साल पहले भी भ्रूण हत्या था, दहेज व्यवस्था थी, राजनीतिक दबंगई थी, बेरोजगारी थी, अमीरी गरीबी की लड़ाई थी, लेकिन जो आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से हम इन समस्याओं को देखते हैं, इन दोनों फिल्मों में उसी रूप से, उसी रफ्तार से फिल्मों का संदेश दिया जाएगा। सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, जो जितने भी मेरे दर्शकों हैं उन सबको माही की तरफ से नमस्कार, और जो भी हूँ आप लोग के प्यार की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। एक्चुअली मुझे नहीं बताया गया है कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, एक्चुअली बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं उनके साथ। एक्चुअली आप भैया सजनवा हमार फिल्म का मुहूर्त है आज, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं पंकज जी को, रोहित जी को प्रोड्यूसर हमारे, और कुणाल सिंह जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आकाश जी का जैसे कैरियर स्टार्ट हुआ है, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत मेहनती हैं और मैंने काफ़ी फिल्में जो मैंने गाने किए हैं आकाश जी के साथ में, तो सेट पे जाओ तो सुनने में भी आता था कि बहुत मेहनत करते हैं। एक्शन हो, फाइट, डांस हो, वो मेहनत से नहीं कतराते, तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का हक है। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी टीम के साथ। उनके लिए तो शब्द नहीं है मेरे पास, सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए दिल से इज्जत है और वो दिल में हैं, जिसमें कानू जी हैं, कुणाल जी हैं,
और आज अगर मैं मुहूर्त में आई हूँ तो सिर्फ कुणाल जी की वजह से आई हूँ। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं देने आई हूँ उनको, और ऐसे ही फिल्में बनती रहे एक के बाद एक। मेरी नहीं, मुझे तो सबसे पहले रोहित जी, पंकज जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं बहुत खुश हूँ कि कुणाल जी, ऊपर से आकाश जी दोनों। कुणाल जी को मैंने बहुत नचाया बहुत पहले, और आज उनको, उनके बेटे को नचाऊंगा, आकाश जी को। बहुत खुश हूँ, और सारी पूरा यूनिट को मेरे तरफ से ढेर सारी बताई। सीमा तारीफ तो करेगी, क्योंकि बेटियाँ हमेशा माँ बाप की तारीफ करती हैं। सीमा तो मेरी बेटी है पहले से, अभी भी है, आगे भी रहेगी। मैं चाहूँगा हर जन्म में सीमा जैसी बेटी पैदा हो। सर, वैसे तो आपने हर जगह सीमा जी को नचाया, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि सीमा जी ने आपको नचाया? कभी नहीं, इस जन्म में तो हो भी नहीं सकता है। मैं पहले खुद तो नाच लूं। हाँ, नचा सकती वो कब, जब मैं इसके शादी के लिए लड़का ढूंढूंगा, तब बोलेगी इससे नहीं, उससे नहीं, उससे नहीं, इससे नहीं, तब शायद मैं नाच जाऊँ। शादी की बात है तो कितना तैयारी चल रही है, और किस तरह का लड़का? देखिए, हर माँ बाप चाहता है लड़की का शादी दे देना, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अभी उसकी इच्छा है और कुछ दिन काम करे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत प्यार करता है, हमारा ऑडियंस बहुत लाइक करते हैं, तो हम भी चाहेंगे। कलाकार है, कलाकार को कभी कला रोकना नहीं चाहिए। वो जब तक, जिस दिन बोलेगी अभी आप कर दीजिए, बस उस दिन हम कर देंगे, तैयारी में पूरे हैं। मैं दर्शन सिंह, इस फिल्म का सह निर्माता हूँ। हमारा जो मेन उद्देश्य है इस फिल्म को बनाने का, वो भोजपुरी संस्कृति जो खो चुकी है उसको पुनः जीवित करने का हमारा उद्देश्य है, और आशा है कि हम अपने इस उद्देश्य में बिल्कुल सफल होंगे। मैं SRDK महाराष्ट्र से ही हूँ, लेकिन मैं भोजपुरी पिक्चर में, ये जो आज का जो थीम है ये पिक्चर का, सजनवा साथ निभाइए मैम, ये इतना बढ़िया थीम है, ताकि ये थीम को पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, और पूरी आशा है कि ये पिक्चर पूरे वर्ल्ड में प्रमोशन हो जाए इसका। वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट द बेस्ट रीजनल लैंग्वेजेस इन आवर सोसाइटी विद गुड मॉरल्स, दैट्स ऑल। इस माँ पीताम्बरा प्रोडक्शन के नीचे बनने वाली मूवी ये जो है, ये पूरी भोजपुरी संस्कृति को जागृत कर देगी दोबारा से। जैसे कि कहते हैं कि भोजपुरी संस्कृति जो है गायब हो चुकी थी मूवीज़ से, जैसे भाई साहब ने बोला अभी, उसके बिहाव पे ये पूरी भोजपुरी की संस्कृति को पूर्णतः जागृत कर देगी। ये ऐसी पिक्चर बन रही है। जनरली भोजपुरी में ये होता है, जब हम पूछते हैं कि सर भोजपुरी में जाओगे, तो बोलते हैं क्यों जाना यार, क्या करना, क्या नया चीज़ देखने को मिलेगा। एक अलग ही चीज़ की मतलब लोग एक पारिवारिक उसको नहीं समझ के जा पाते, संकोच करते हैं कि अपने परिवार के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, दादा दादी के साथ जाए ना जाए। बट हमारी जो फिल्म है साथ निभाइया सजनवा हमार, इस फिल्म को देखने के लिए आपको कोई झिझक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ, दादा दादियों के साथ, बीवी के साथ जा सकते हैं, और पारिवारिक, पूरी तरह पारिवारिक मूवी है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी अश्लीलता दर्शाया नहीं गया है। सजनवा साथ निभैया। पहले हम अपना भोजपुरी दर्शक लोग के गोड़ छू के प्रणाम करता नहीं, हमें धनंजय मिश्रा, और जिसने आप देखा था नहीं कि आज मुहूर्त बटे, एगो फिल्म बटे, जोना के टाइटल बटे साथ निभैया सजनवा हमार। रुआ देखब टाइटल ही भोजपुरी बटे, ठेठ भोजपुरी, खाँटी भोजपुरी, तो एमा कौनो कहीं बॉलीवुड और साउथ इंडिया या और हॉलीवुड के कहीं तड़का मिली नहीं, आपके एकदम प्योर फोक गाँवटी चीज़, घर गाँव का चीज़, अपन खास खाँटी माटी का जो चीज़ बटे, कहानी में भी, गाना में भी, जैसे हमने के सुनत नहीं जाए, कहानी भी सुनत नहीं जाए, बहुत बेहतरीन बटे, लव स्टोरी बटे, और एकदम घर का चीज़ जो अपन अपन घर में घटेला घटना वैसन वैसन स्क्रीन प्ले बटे। और एक विशेष बात हम बताए रहे कि एक जो स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग जो लिखले बटे कपिल मुनि पंकज जी, हमने का जब बहुत छोट छोट रहने जा तब वो गाना लिखत रहे, और बहुत बेहतरीन राइटर हमें, और आज उनका कलम से जब कुछ चीज़ निकली तो रुआ समझ सकता नहीं कि गांवटी चीज़ निकली, खाँटी चीज़। मेरा नाम सुप्रिया पांडे, और मुझे ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी पंकज जी ने दी है, और सबसे बड़ी खास बात है कि ये फिल्म बहुत ही पारिवारिक है, और मैं सेकेंड टाइम कुणाल जी के साथ काम करूँगी, इससे पहले मैंने एक सीरियल किया था उनके साथ, और सबसे माइंड ब्लोइंग है कि ये मेरे गांव में शूट हो रही है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं इसमें एक बहन का रोल प्ले कर रही हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मैं साइना सिंह, और मैं इस फिल्म में सेकेंड लीड हूँ,
पंकज जी के अपोजिट, और मेरे लिए बहुत खुश नसीबी है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कुणाल जी के साथ काम करूँगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरा रोल इतना बेहतरीन है, जब मैंने सुना तो आई होप कि मैं उतना अच्छा करूँ भी क्योंकि रोल बहुत ही बेहतरीन है, मूवी बहुत बेहतरीन है। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी पंकज जी को, जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे ये रोल ऑफर किया। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं रोहित जी, सब बहुत बढ़िया हैं, टीम बहुत बढ़िया है, और मैं सबको कंग्रेच करना चाहती हूँ एंड थैंक यू बोलना चाहती हूँ। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।